से कहा कि जो सक्रिय नई नजर हमको आ रहे हैं, जो फील्ड में नजर नहीं आए, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन थे, चाहे वो हमारे लोकसभा के चुनाव थे, अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को इसमें जोड़ें, ऐसे लोगों को इसमें आगे लाएं, ताकि वो रात दिन होकर एक होकर पार्टी में काम करें, अपना समय भी दें, वक्त भी दें और पार्टी के हर वर्कर को सक्रिय करने का प्रयास करें। आपने कहा इसमें हर वर्ग को शामिल किया जाएगा, किन किन लोगों को महत्व दिया जाएगा? देखिए, हमारे ओबीसी के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, सभी को जोड़कर हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और जिन लोगों ने डेडिकेटेडली पार्टी में काम किया है उनको अच्छी पोस्ट दी जाएगी, उनको तवज्जो दिया जाएगा ताकि वो अपनी टीम को दोबारा रिजुनेट करें, उनके साथ मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा होगा। यूथ और महिलाओं को जोड़कर क्या आप उम्मीद कर रही हैं एक नए जोश के साथ पार्टी की नई बॉडी राज्य में बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है और हम ये चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो ताकि हम ये आने वाले समय में अपने पार्टी को इतना मजबूत कर दे कि अच्छी तरह से हम बीजेपी का मुकाबला कर सकें और अगला विधानसभा का चुनाव भी जीतें और लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो उसमें भी हम एकजुट होकर सभी अच्छे परिणाम की आशा करते हुए इन संगठन को, इन लोगों को मजबूती देने की बात मैंने की है ताकि वो लोग सब एकजुट होकर काम करें। एक व्यक्ति एक पद की जैसे बात की जाती है, जो लोग सरकार में भी हैं, संगठन में भी हैं, इसको आपने पहले भी टेकअप किया था, जो ये मामला टेकअप गया, क्या मुख्यमंत्री को भी उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था? क्या अब लोग जो सरकार में हैं वो संगठन में नहीं रहेंगे या जो संगठन में है वो सरकार में? अभी बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा सीनियर लोग, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि इनका क्या सुझाव है, वो किन किन लोगों को चाहते हैं, किन को तवज्जो दी जाए और जो लोग निष्क्रिय हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में अपना योगदान नहीं दिया, उनको उनकी जगह कर अच्छे लोगों को लाया जाए। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का जो पिछले चुनाव में जो स्थिति सही नहीं रही है, क्या आप मानते हैं इस तरह का जो संगठन का जैसा आपने कहा रिजुविनेट होगा, एक मजबूती मिलेगी आने वाले समय में, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, हमारा उद्देश्य ही यह है कि हमने पार्टी को स्ट्रांग करना है, हमें जहां जहां कमजोरियां नजर आई, जहां जहां कमियां नजर आई, उन बातों को दूर करते हुए हमने अच्छे लोगों को इसमें आगे तवज्जो देनी है ताकि वो आकर खुद भी काम करे और अपनी टीम से भी पार्टी को मजबूत करने के लिए फील्ड में उतरकर वो नजर आने चाहिए कि इन्होंने फील्ड में भी काम किया है और फील्ड में जाकर भी वो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो हमारे तक जिनकी पहुंच नहीं है उनसे भी बातचीत करके उनके सुझाव लेकर हम इस पार्टी को और मजबूती देंगे और सक्रिय करेंगे और सब एकजुट होकर एक संदेश देंगे कि सब हम एक होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। नई बॉडी कब तक एक्सपेक्टेड है? बस हम शीघ्र इस पर चर्चा करेंगे, बैठेंगे और सभी सीनियर लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और जो जो उनके सुझाव होंगे उस पर अमल किया जाएगा। अभी जो ये डिसीजन लिया गया है, क्या आप लोगों ने कोई ज्वाइंट लेटर भी इस पर लिया था बिफोर दिस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कई बार पहले भी बात की तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हम एक ज्वाइंट लेटर दे देते हैं जिसमें मैं भी साइन करूंगा, आप भी साइन करें और हम इसको खड़गे जी तक पहुंचाएंगे। खड़गे जी ने इसके ऊपर गौर किया और इसी करके ये इस पार्टी के संगठन को डिसॉल्व करते हुए अब हम नई कैबिनेट करने बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।